हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सुपोई फार्मा का जो फिजिकल कंडक्ट कराया गया है रानीखेत में, जहां पर यूपी एंड उत्तराखंड का कंबाइंड फिजिकल कंडक्ट कराया गया था, जिसमें डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी, ताकि आपके साथ में कोई क्वेरी रेज ना हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंट्री के टाइम जो आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे, सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट पर रहेगा एडमिट कार्ड, जो कि आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवा सकते हैं और कलरफुल में निकलवा सकते हैं, ठीक है, बट लेकिन आपको वो फोल्ड नहीं करना है एंट्री से पहले। सेकंड जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, जो कि ओरिजिनल रहेगा, जो कि तहसील से बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे जो है ओरिजिनल टेंथ का जो सर्टिफिकेट रहेगा, मार्कशीट। फोर्थ नंबर पे जो आपकी ट्वेल्थ की मार्कशीट रहेगी, जो कि ऑप्शनल रहेगी, उसे आपसे ले भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको इसके साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ होना भी जरूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास में ओरिजिनल आधार कार्ड या ओरिजिनल पैन कार्ड होना जरूरी है, या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसे भी आपसे वो देख सकते हैं। ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके एंट्री डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। फिजिकल जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपके पास में सबसे पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो टेंथ का सर्टिफिकेट हो, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट हो, डी फार्मा बी फार्मा के जो ओरिजिनल डिग्री या डिप्लोमा, उसके साथ में आपकी ईयर की मार्कशीट, आपने जिस भी या तो डी फार्मा से या बी फार्मा से जिससे आपने आपने अप्लाई किया हो, उसकी क्वालिफिकेशन के जो डिग्री या मार्कशीट या डिप्लोमा है उनको आपको ले जाना है, ठीक है, जिस डिग्री से आपने अप्लाई किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपके पास में कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि ओरिजिनल होना कंपलसरी है, जिसपे आपका कॉलेज का स्टाम्प लगा हो। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास में ओरिजिनल होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत सारे कैंडिडेट के पास में जो पहले आपका जो प्रोवाइड कराया गया था वो हार्ड कॉपी में आता था, जिनके पास में हार्ड कॉपी है वो अपना हार्ड कॉपी टाइप में जो ओरिजिनल है उसे आप लेकर जाएंगे। अदरवाइज जिन भी कैंडिडेट का ऑनलाइन माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो अपना वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्या है कि अपनी जो टू कॉपी है उसको क्या करेंगे, वो कलरफुल में प्रिंट कराएंगे, उसके बाद में आप उसे लेकर के जाना है, वही आपका वैलिड माना जाएगा। और जो ऑफलाइन वाले हैं जिनके पास में हार्ड कॉपी है, वो अपना ग्रीन बुक या ग्रीन कार्ड वो भी ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास में 20 फोटो लेटेस्ट होने कंपलसरी है, जिसमें आपकी प्रॉपर सेविंग हो, प्रॉपर हेयर कटिंग हो। नेक्स्ट जो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पीसीसी भी आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए, चाहे वो आपसे मांगे या ना मांगे। यदि आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास में पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट जो है इफ यदि अंडर 21 ईयर अनमेरिड सर्टिफिकेट विलेज, यदि आप 21 ईयर के अंडर है तो आपके पास में अनमेरिड सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, जो कि आप जहां पर रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वो आपका सरपंच या विलेज से, जहां भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको बनवाना है, यदि आप 21 ईयर अंडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, जो कि आपका तहसील से बना हुआ, उसके साथ साथ आपका विलेज से या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी बना हुआ, दोनों ही कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। जनरल कैटेगरी वाले बंदे ये ना सोचें कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, बहुत सारे कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट में निकाले हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार से बनता है, आपको बनवा के ले जाना है, बिल्कुल भी आपको वो टाइम नहीं देंगे, तो आपको अलर्ट किया जाता है कि आपको तहसील से अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा के ले जाना है। नेक्स्ट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि आपका तहसील से भी और आपके विलेज से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको बनवा के ले जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एफिडेविट, जो कि 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पे आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि विलेज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको बनवा कर ले जाना है। नेक्स्ट जो है ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ 3 सेट जीरोक्स, ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको उनका 3 सेट जीरोक्स की कॉपी करवा करके ले जानी है। तो मे बी आपको 4 या 5 सेट करवा करके ले जाइएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये नोट हमने मेंशन किया है, प्लीज़ केयरफुली चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको ये जो सारे डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं, यदि इसमें कोई क्वेरी रेज होती है तो आप केयरफुली क्या है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है कि वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार से एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस विलेज से
जहाँ से भी वो बिलोंग करते हो, विलेज या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, वहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा कर ले जाएं। रानीखेत उत्तराखंड में फिजिकल के दौरान जब फिजिकल लग चुका था, जनरल कैटेगरी वाले बहुत सारे बंदे कास्ट सर्टिफिकेट में निकाले थे, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया। फाइनली हमारी तरफ से एक ओपिनियन है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट हमने बताई है, इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आर्मी की तरफ से पब्लिश की गई थी उसमें जो लिस्ट दी गई है उससे एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि आपकी कोई क्वेरी रेज ना हो। वैसे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल कराने हैं ताकि आपके साथ में कोई क्वेरी रेज ना हो। जल्दी हम फिजिकल के दौरान जो भी हुआ था उसके बारे में जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे, उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।